हमारे पास ये क्वेश्चन देता है कि अरेंज 3/5, 7/9, 11/13 इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है या आपसे कह सकता है फाइंड स्मॉलेस्ट, आप इसमें से बताइए स्मॉलेस्ट कौन सा है या लार्जेस्ट कौन सा है। तो फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन आपको अरेंज करना होता है। आप इसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भी तभी फाइंड कर पाएंगे जब इसमें आप चेक कर लें। तो हमारे पास क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में दो चीजें होती हैं। एक तो सपोज करो मैं आपसे कह दूं ये थोड़ा सा बड़ा नंबर था इसलिए इसको भी बाद में करेंगे, ये हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास है 2/3 और ये हमारे पास है सपोज करो 4/5। आपसे कहा जाता है कि इसमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताओ या अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके दो तरीके होते हैं जो अब तक आपने सीखे हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर्स को सेम कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, या हम ऊपर वालों को भी सेम कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, दोनों ऑप्शन है। तो जैसे हम ऊपर वालों को अगर सेम करें तो ऊपर हमारा एलसीएम, दोनों को एलसीएम लेके ही कर सकते हैं, तो ऊपर का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। तो अगर ऊपर हमें 4 करना है तो पहले वाले को हम 4 कर सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले को हम 4 कर सकते हैं सेकंड वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और लास्ट वाला ऑलरेडी 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो। तो ये फ्रैक्शन आपको नजर आएगा 4/8, ये फ्रैक्शन नजर आएगा 4/6 और ये फ्रैक्शन नजर आएगा 4/5। अगर हमारे पास ऊपर नंबर सेम होता है तो जिसमें नंबर नीचे छोटा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा, और जो सबसे बड़ा होगा नीचे डेनोमिनेटर वो सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 4/5 सबसे छोटा है तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखें 5 सबसे छोटा है तो वैल्यू इसकी सबसे बड़ी मिलेगी, और 8 क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप न्यूमरेटर को सेम कर लें। दूसरा तरीका था, नहीं सर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/2, 2/3, 4/5, नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए। अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 6, 5, 30, 6, 5, 30 आपका एलसीएम आएगा। तो अगर पहले वाले को 30 करना है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको जो अगर 30 करना है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर 30 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 15/30, और आपके पास क्या आएगा 20/30, और आपके पास क्या आएगा 24/30। अब क्योंकि नीचे सेम नंबर है तो जो ऊपर नंबर छोटा है वो छोटा रहेगा और बड़ा है बड़ा रहेगा। तो जैसे अभी हमारे पास है 15 हमारा सबसे छोटा है और 24 हमारा सबसे बड़ा है, तो 15 हमारा किससे आया है, 1/2 से, तो 1/2 हमारा जो है वो, ठीक है सर, स्मॉलेस्ट हो गया, और 4/5 जो हमारा वो लार्जेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास तरीका होता है, ठीक है। लेकिन ये है तरीका जब ही चलता है जब हमारे पास जो एलसीएम लेना हो वो छोटे से नंबर हो। लेकिन यहाँ देखें हमारे पास ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है, ये बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, इनका एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, फिर हम उससे मल्टीप्लाई करें उसको देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन का एक छोटा सा तरीका ये रहता है कि जैसा अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है 3/5 और आपके पास क्वेश्चन दिया है 7/9 और आपके पास दिया है 11/13, तो इस सारे तरह के क्वेश्चन को अच्छा है कि अगर आप एक बार छोटा सा डिवाइड करके देख लें। डिवाइड मतलब 5 से डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाएंगे 30 तो 6 आ जाएगा, अगर हम 7 से कर रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे 70 तो हमारे पास कितना होगा, 9, 7 जा 63, तो समथिंग 0.7 आएगा। अगर हम 11/13 करें तो 13 से अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा 10 आ रहा है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.8, 13, 8 जा 104। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है जी? जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपको समझ में आ गया सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है। ये हर जगह एप्लीकेबल है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप डिवाइड कर लो, डिवाइड जैसे ही करेंगे आपको एकदम से नजर आ जाएगा कि कौन सा हमारे पास,
पहले हम वन डिजिट में डिवाइड करें, अगर वन डिजिट में दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर हम एक और प्लेस या देंगे सेकंड प्लेस पे भी डिवाइड करें। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, अगर हम छोटे वाले लें, हमारे पास था 1/2, हमारे पास था 1/2, 2/3 एंड 4/5, तो आप यही डिवाइड करेंगे, तो अगर 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, अगर ये करेंगे 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, अगर इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 5 8 जा, तो आप देखोगे 0.5 सबसे छोटा है और 0.8 सबसे बड़ा है। तो ये हमारे पास, जरा मुझे बताओ, आंसर देने की कोशिश करो कि आपके पास क्या है, 3/13 है, और आपके पास क्या है, 2/15 है, और आपके पास क्या है, 4/17 है, तो बताओ इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट नंबर सर 4/17। गुड, और कोई बच्चा? अगेन बेटे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ये जीरो हो गया आपके पास, तो यहाँ कम से कम टू टाइम टेबल चल रही है, 13 2 जा 26 होता है, ये बेटे पॉइंट लोगे तो 20 है, तो यहाँ पे टेबल सिर्फ वन टाइम चलेगी, यहाँ पे अगर आप लेंगे तो ये 40 है, 17 2 जा 34। अब आप खुद ध्यान से देखो बेटे, मैंने आपसे कहा था कि अगर वन प्लेस पे आपका सेम आ जाए तो पहला वाला भी 0.2 है, नेक्स्ट वाला भी, लास्ट वाला भी 0.2 है, तो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो एक प्लेस तक और जाना पड़ेगा। जैसे हमने 13 से 30 को डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया, 13 2 जा 26, 4 कैरी था तो 40 हो जाएगा, तो 13 3 जा 39, तो ये हमारा हो जाएगा 23 सेकंड प्लेस पे। लेकिन अगर हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 2 जा 34, तो 6 आएगा हमारे पास, तो नेक्स्ट प्लेस में हो जाएगा 60। अब अगर हम 60 पे डिवाइड करेंगे, 17 3 जा कितना आ रहा है भाई, 51, कितना आएगा, 90, अभी भी नहीं आया हमारे पास, तो फिर कितना आया हमारे पास, 1 पे हमारा टेबल नहीं चलेगा, तो ये 0 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना चला, 69, तो 9 आने के बाद कितना आएगा, 235, यहाँ हमारे पास आएगा, तो अगर 2 प्लेस पे नहीं आ रहा तो 3 प्लेस पे करेंगे, 3 पे नहीं आ रहा 4 प्लेस पे करेंगे, तो एक से हमारा आ रहा है 230, और एक से हमारा आ रहा है 235, तो 235 इज द लार्जेस्ट, तो 4/17 इज लार्जेस्ट नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ करने से अच्छा है कि आप उसे डेसिमल में डिवाइड कर दीजिए। ओह, एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये चीज़,